सीरियल बम धमाकों से लहूलहान होता रहा, आतंकी हमलों से मां भारती का सीना चीर दिया जाता था, मुंबई जैसे हमारे शहर थर्राते रहते थे, एक ही गूंज सुनाई देती थी कि कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो पुलिस को जानकारी देना, एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन पर जाओ, हर जगह पे लिखा रहता है लावारिस चीज को हाथ पर लगाना, लावारिस चीज से चौकन्ना रहना। 10 साल हो गए, सुना है क्या? सब बंद हो गया कि नहीं होगा? ये इनको असंभव लगता था। और अभी राज बता रहे थे 3 तलाक, देश की संसद ने 3 तलाक को ही तलाक 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 कह दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण, 40 साल तक इंतजार करते रहे लोग, संसद में बहस होती थी, और जो आज संविधान को सर पर रख करके नाच रहे हैं उन लोगों ने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के बिल को छीन करके फाड़ दिया था। इन सब की छाती पे बैठ करके आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस 60 साल तक कहती रही कि गरीबी हटाएंगे, और इनकी तो फैशन थी। और आप सचमुच में थोड़ा जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं जरा देख लीजिए, आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे, और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए वो गरीब 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 पर माला ही जपते रहते थे, लोगों की आंख में धूल झोंकते थे और गरीबों को एहसास कराते रहते थे कि तुम तो गरीबी में जीने के लिए ही पैदा हुए हो। इस देश में गरीबी को हटाना असंभव लगता था। भाइयों बहनों, मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। जो असंभव लगता था वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? संभव हुआ कि नहीं हुआ? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? कौन सी ताकत है जिसने ये किया है? ये कौन सी ताकत है? मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण हुआ। ये आपके वोट का सामर्थ्य है, और इसलिए मैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जो शांति और सुरक्षा चाहते हैं, जो विकास के अनगिनत अवसर चाहते हैं, जो भारत को विश्व में माथा ऊंचा करके जीने वाला देश के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे हर नागरिक को कहता हूं जरा घर से बाहर निकलिए और अपने वोट का उपयोग कीजिए। और मेरा आपसे आग्रह है, मैं आज मुंबई करके पास आया हूं, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप रिकॉर्ड तोड़ करके सारा मतदान करके दिखाइए इस बार, और जब मतदान करने के लिए घर से निकले ना तो याद करना
कभी वो बम धमाके हुआ करते थे, सुबह घर से निकलते थे तो शाम को जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका कोई विश्वास नहीं था। आज गर्व के साथ आपकी बेटी शाम को आनंद से घर लौट सकती है, ये याद करके जाना। और कमल पे और मेरे साथियों के जो सिंबल है उन पे अपना बटन दबा करके मोदी को जरा मजबूत कीजिए। आपका एक वोट राष्ट्र हित में बड़े फैसलों का आधार बना है और इसलिए एक एक वोट जरूरी है।